जो हमारा जो नुकसान हुआ है 5 अगस्त के बाद, ये बात छुपी नहीं है किसी से कि हमारा कितना नुकसान हुआ है, चाहे वो हाउस बोट वाला है, चाहे वो शिकारा वाला है, चाहे वो घोड़े वाला है, चाहे वो होटल वाला है, जो भी इस ट्रेड के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, वो सब इसमें शिकार हो चुके हैं। और इसमें मुझे लगता है कि हज़ारों करोड़ों का जो नुकसान कश्मीर को हुआ है, ये डिलिबरेटली किया गया है एटम है, क्योंकि जब यहाँ पे यात्रा चल रही थी, आराम से जो यात्रा चल रही थी यहाँ पे, तो उनको इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि आपको यहाँ पे अटैक होने वाला, अटैक होने के बाद कि वो यहाँ से भाग गई। तो उसके बाद में दूसरे आगे डोर टू डोर यहाँ पे कैंपेन चलाई गई डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म और पुलिस की तरफ से कि यहाँ पे जितने भी टूर्स हैं उनको यहाँ से निकालो, चाहे वो बिहारी भी यहाँ पे कहीं पे बैठा था उसको भी यहाँ से निकाला गया। तो उसकी वजह से ये जो सारा जो हमारा नुकसान, इसका ज़िम्मेदार पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो भी है वो इसमें ज़िम्मेदार है। जो ये एडवाइजरी गवर्नमेंट ने निकाली 5 अगस्त में, अगस्त से पूरा यहाँ ठप है। हम 5,000 शिकारे वाले यहाँ हैं, 5,000 अभी ये 6वां महीना आ रहा है, ये 6 महीने भी सब बैठे हुए हैं, बेरोजगार हो गए, कोई इनकम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। वो मेरे भी बहुत से ऐसे भाई हैं जिनने कुछ शिकारा बेचा है, वो भी कम दाम पे उसने अपना गुजारा किया है। जितने भी शिकारे वाले हैं सबको लॉस हो गए। कम से कम टूरिज्म शिकारा सनत को कोई 25 करोड़ का नुकसान हो गया इन 5 महीनों में। किसी को हाउस बोट वाले दुकान डायर साहब 5 अगस्त से सौ गैस में बेच के, और किसी को राशन भी नहीं देता है, पेट्रोल कई काम के गाँव को जरूरत है सबका चाहिए वो भी नहीं देता, पेट्रोल नहीं देता, कुछ भी नहीं। एक शिकारा वाला पहले दिन का कितना कमाता था? मुख्तलिफ 1,000, 500, 1,500, 2,000, अभी तो सब बैठे हैं हाथ पे हाथ रखे हुए हैं। सारा ट्रेड, चाहे वो घर में शॉल बनाने वाला भी हो, उसको भी नुकसान इस 5 अगस्त के बाद हुआ है। अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है कि हालात कश्मीर के अंदर ठीक हुए हैं, हमने वो किया, हमने ये किया, मगर ग्राउंड लेवल पे आप देखिए कि वो क्या कर रहे हैं कश्मीरी के लिए, क्या कर रहे हैं जो सफ़र कर रहा है। आज की डेट में जो सफ़र कर रहे हैं उनके लिए कुछ भी अभी तक नहीं किया, खाली बातें हो रही हैं, खाली ये वोट बैंक पॉलिटिशियन हो रहा है। उनको अपने वोट बैंक के लिए 370 को तोड़ना था, वो तोड़ गए, मगर कुछ फ़ायदा हमें नहीं लगता कि ग्राउंड लेवल पे अभी तक कोई फ़ायदा हुआ है अभी तक। 5 अगस्त से यहाँ हम बर्बाद हुए, हमारे पास कुछ नहीं है, हमारी जो गाड़ियाँ है वो सब खड़ी है, मैं टैक्सी ड्राइवर हूँ, हमारे पास सब टूरिस्ट के ऊपर था सब कुछ, हमारे पास अभी कुछ नहीं है, ना टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं ना कोई आता है इस यहाँ पे। हम लोग को बहुत नुकसान हुआ। आपके बैंक के किस्त वगैरह होते हैं वो कैसे बात? वो हमारी हमने बेच दिया गाड़ी, पिछले ही दिनों बेच दिया गाड़ी, क्योंकि बैंक वालों ने बोला कि उसमें किस्त भरो, 4 किस्त टूट गए, चौथे 5वें के बाद आए वो बोला गाड़ी दे दो, हमने दे दिया उनको। जो हमारा जो नुकसान हुआ है 5 अगस्त के बाद, ये बात छुपी नहीं है किसी से कि हमारा कितना नुकसान हुआ है, चाहे वो हाउस बोट वाला है, चाहे वो शिकारा वाला है, चाहे वो घोड़े वाला है, चाहे वो होटल वाला है, जो भी इस ट्रेड के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, वो सब इसमें शिकार हो चुके हैं। और इसमें मुझे लगता है कि हज़ारों करोड़ों का जो नुकसान कश्मीर को हुआ है, ये डिलिबरेटली किया गया है एटम है, क्योंकि जब यहाँ पे यात्रा चल रही थी, आराम से जो यात्रा चल रही थी यहाँ पे, तो उनको इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि आपको यहाँ पे अटैक होने वाला, अटैक होने के बाद कि वो यहाँ से भाग गई। तो उसके बाद में दूसरे आगे डोर टू डोर यहाँ पे कैंपेन चलाई गई डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म और पुलिस की तरफ से कि यहाँ पे जितने भी टूर्स हैं उनको यहाँ से निकालो, चाहे वो बिहारी भी यहाँ पे कहीं पे बैठा था उसको भी यहाँ से निकाला गया। तो उसकी वजह से ये जो सारा जो हमारा नुकसान, इसका ज़िम्मेदार पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो भी है वो इसमें ज़िम्मेदार है।